मैं यहाँ देखने वाली चीज ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द गेम आर सेम एज फॉर द एबल बॉडी पर्सन। बच्चों के स्वेटर भी बनते हैं, बहुत बढ़िया ऐसे कर। और केयर मतलब हम बिजी भी रखते हैं, देखिए 10% इसका जो प्रॉफिट आता है तो हम देखा सर को आगे सर आप इधर आइए Thank you, sir. Was commissioned into the army in 1979 from NDA Khadakwasla. The general officer has got a distinguished in the checkered career spanning over 34 years. The general commandant of a ammunition depot at Panagarh, he has been
स्टाफ टेन्योर्स इंक्लूड्स एक्यूएल ऑर्डिनेंस 12 को हियर बीन स्टेशन कमांडर एंड पीसीडी येहू रोड हियर बीन ब्रिगेड हियर गॉट अ हेड अप्रिस्ट एंड ही इज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार द जनरल ऑफिसर इज प्रेजेंटली चेयरमैन ऑफ मेंटेनिंग एंड रनिंग दिस सेंटर in a more most efficient and a proficient manner. All kudos to him. And after that, we had planned, some of you have already interacted, all those who have come late, they can interact with this facility. We have number of things what these boys are doing. We have occasional, and the moment you come back from there. Sir, let me tell you that it's a proud privilege for all of us to be here today as part of celebrations for 37th Raging Day for Paraplegic Rehabilitation Center, which was established in 1978 out here. That it is only the Indian Army which takes care in the difficult area, facing the vagaries of the weather, and साथ में attendant होता है. उसके बाद जब उसमें धीरे-धीरे paraplegical rehabilitation centers का 37वां जो raising day बनाया जा रहा है, उसका क्या कार्यक्रम क्या है? 37वें जैसा कि आपको पता है कि पीआरसी पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो यहाँ एस्टेब्लिश हुआ 1978 में 30 नवंबर को, उसका रेजिंग डे 30 नवंबर को आता है और हम इस रेजिंग डे को 37वां रेजिंग डे जो है उसको हम मना रहे हैं 1 दिसंबर को, जिसमें The Honorable Governor of Haryana, Professor Kaptan Singh Solanki, वो हमारे Chief Guest होंगे और Major General Rajdan, retired जो paraplegic खुद patient रहे हैं, the only Indian Army officer जो General बने हैं, वो हमारे Guest of Honor होंगे उस दिन. कार्यक्रम हमारा सुबह 11 बजे शुरू होगा. ऑनरेबल गवर्नर साहब आएंगे और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर लेकर के ब्रीफिंग देंगे. हम ब्रीफिंग दे करके उनको पूरे पीआरसी में उनका विजिट करवाएंगे, जहां पे ये हमारे जो इनमेट्स हैं जो अपने वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, अपने पांव पे खड़ा होने की क्षमता प्रदान करते हैं, अपने आप को फिजियोथेरेपी करते हैं अपने लिम्स को सुधारने के लिए और उनमें ताकत लाने के लिए, वो पूरा एरिया दिखाया जाएगा. मैरिड क्वार्टर और उनकी फैसिलिटी जहां वो रहते हैं स्पेशल, वो दिखाई जाएगी उनको. उसके बाद उनकी बास्केटबॉल मैच दिखाया जाएगा जो व्हील चेयर पर वो खेलेंगे, एक बहुत ही यूनिक चीज़ है. और उसके बाद उनकी रेस वगैरह, जेवलिन थ्रो वगैरह जो करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी दिखा के फिर उनके साथ एक कप चाय होएगी साहब की, सभी इनमेट्स और फैमिलीज के साथ. और चाय के बाद वो उनका हौसला अफजाई करने के लिए गवर्नर साहब उनको स्पीच देंगे. उसके बाद ट्री प्लांटेशन होएगा ऑनरेबल गवर्नर साहब की ओर से एंड कार्यक्रम इस प्रकार समाप्त होगा करीबन 12 बजे. सर, सस्टेन करने के लिए जो सैनिकों को क्या क्या यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है? इनको सेल्फ सस्टेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है पहले इनको एनेबल बनाया जाए. सो इनको फिजिकली एंड मेंटली उसकी ताकत देने के लिए हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट से लेकर के सारे टॉप क्लास के डॉक्टर हमारे कमांड हॉस्पिटल में हैं, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ हैं. वो एनेबल कर दिया, ताकत ला दी, विल पावर ला दिया. उसके बाद हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग साथ का साथ देते हैं, जिसके अंदर निटिंग, सीविंग, स्वेटर बुनना,
रजिस्टर वगैरह बाइंडिंग करना स्टेशनरी का, देन कंप्यूटर पे सीखना, वायर मैश के ब्रशेज बनाना और स्वेटर बनाना, जो कि इंडियन आर्मी को अभी भी इन हाथों से स्वेटर, जैसे 58 जीटीसी सेंटर गोरखा, सैनिक स्कूल उनकी डिमांड होती है, एपीएस स्वेटरें बहुत बढ़िया बुनते हैं ये लोग और वहाँ डिमांड सप्लाई करते हैं। इवन इंडियन आर्मी को बेडशीट्स हॉस्पिटल में, ये भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो पहले हम देते थे, स्वेटरें भी हम देने की सोच रहे हैं, इंडियन आर्मी को बुन करके ये देंगे, मशीनें और लेंगे। मैं सर इधर 2 साल से रह रहा हूँ। यहाँ सर रिहैबिलिटेशन के लिए जो है फिजियोथेरेपी वगैरह है, फिर मोमबत्ती वगैरह कैंडल बनती है और इसका जर्सीज वगैरह बनती हैं, तो उस ये सब इधर बनता है। स्टेशनरी का कॉपीज वगैरह भी बनती हैं इधर, तो सब हम लोग ही बनाते हैं। कब से आप? तो मैं यहाँ 2 साल से। क्या जो सैनिक बोर्ड वाले जो उनकी तरफ से जो आपको मतलब जो मदद मिलती है, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। आप यही चाहते हैं मतलब यहाँ से जल्दी जाना चाहते हैं कि अपने घर कौन से? ऐसा है कि अपने घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन घर में ऐसी फैसिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए जो है जब तक यहाँ है तो ठीक है। यहाँ आपकी फैमिली को भी यहाँ कंपनसेशन वही दी जाती है? हाँ, फैमिली के लिए जो है, मैं मैरिड हूँ तो फैमिली के लिए जो है फैमिली क्वार्टर्स हैं, तो उसमें जो है फैमिली भी साथ में ही रहते हैं। फैमिली का खर्चा यही देते? नहीं, खर्चा तो खाने पीने का सब खर्चा ये जो अपना है, लेकिन यहाँ ये है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हॉस्पिटल में जाना है, इसके लिए एम्बुलेंस वगैरह हर फैसिलिटी है और अटेंडेंट वगैरह भी हैं, तो हर फैसिलिटी है इधर।